बोलता जी हाँ बिल्कुल आपने जैसा कि प्रश्न किया एक बड़ी कार्रवाई की गई है आलंदी पुलिस स्टेशन की हद में और पुलिस स्टेशन की हद में दोनों में गैस का अवैध तरीके से वितरण और साथ में संग्रहण किया जा रहा था गैस और गैस सिलेंडर का पहले में आलंदी पुलिस स्टेशन में यह कार्रवाई हुई है जो तो, ज्ञानेश्वर महाराज व मोतीराम महाराज गैस सर्विसिंग स्टील होम रिपेयरिंग सेंटर स्वमी भारत गैस के दुकान में चिमड़ी में की जा रही थी और जब इसे पकड़ा गया तो ये उस दुकान के मालिक और जो दो आरोपी थे विलास भगवान खोड़े और सतीश मनोहर पर्वत ये टेम्पो चालक थे इन सब में हिरासत में लिया गया है और इन पर कार्रवाई की गई है आलंदी पुलिस स्टेशन में थ्री सेवेंटी नाइन थर्टी फोर और, में, uh, 1955 और साथ में उन्नीस सौ पचपन के जीवनावश्यक वस्तु कायदा अर्थात एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तीन सात और एक्सप्लोजिव एक्ट एटीन एटी फोर के जो कलम हैं नाइन बी टू इसके आधार पर कार्रवाई की गई है इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है वो चार जनवरी को हुई है इंदौरी टोल नाका के पास सोनू ढाबा के पीछे लवाड़ी में इसमें जो है एच पी कंपनी के पंद्रह टन कैप्सूल में से धोखे वाली तरीके से ख़तरनाक तरीके से गैस ट्रांसफ़र किया जा रहा था और एलपीजी गैस की चोरी की जा रही थी और काले बाज़ार में बेची जा रही थी ऐसा कुल मिलाकर पैंसठ लाख अड़सठ हज़ार तीन सौ पैंसठ रुपये का माल चार एप्पे दो छोटा हत्ती टाटा ए एस ई टेम्पो जिसको कहते हैं वैगन आर कुल मिलाकर दस वाहन एक सौ चालीस भरी हुई गैस की टंकियां एक सौ चौरासी खाली टंकी टाँकियाँ और अट्ठारह मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे पाइप कनेक्टर इस तरह से तमाम चीज़ें हिरासत में ली गई हैं कुल मिलाकर जो आरोपियों की संख्या है वो 20 के 20 है और इसमें से अधिकांश पकड़ लिए गए हैं केवल एक फरार है तो ये एक बड़ी कार्रवाई है हमारे जो विशेष पथक के विट्ठल कुबड़े हैं हमारी एसीपी प्रेरणा कट्टे क्राइम टू हैं डीसीपी क्राइम हैं और जो हमारे जन सामान्य से सूचना दी जाती है ऐसे हर अवैध और ख़तरनाक गतिविधि की उनके सहायता से तो इस तरह से जनता हमसे अपनी इस तरह की अवैध जो घटनाएं घट रही हैं उनके चारों तरफ उसकी सूचनाएं हमसे शेयर करते रहें कार्रवाई होती रहेगी और हमारे इलाके में किसी भी प्रकार के अवैध धंधे को जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी धन्यवाद जय हिंद